गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया था ना, तो उसका आज हम आगे नेक्स्ट करेंगे। हमने मॉडर्न एज कंप्यूटर मैंने आपको रीड कराया था, पहले अर्ली एज की थी, देन उसके मॉडर्न एज। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है बेटा। द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर हैव डिवाइडेड इनटू जनरेशन। जो कंप्यूटर की बेटे डेवलपमेंट है वो जनरेशन में डिवाइड हो की हुई है। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे कंप्यूटर के क्या नाम है उसमें इम्प्रूवमेंट होती जाती है। तो ये 5 जनरेशन में बांटी हुई है, जिसके बारे में हमें अलग अलग उन्होंने बताया है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है 1942 1958। तो बेटा आपने ईयर्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, ईयर्स आपने मेन याद करने हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद एनेबिक सम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर आल्सो फॉलो। जो एनेबिक बेटा एनेबिक ने स्टार्ट किया था, ये जनरेशन की थी, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस हम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसकी विशेषताएं। यूज वैक्यूम ट्यूब से होता है, यूज पंच कार्ड एंड पेपर टेप फॉर इनपुट एंड आउटपुट, कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी एक्सपेंसिव। ये क्या कह रहे हैं वो, किस में उन्होंने कमी क्या नाम है बोला है कि वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज होती है, पंच कार्ड और पेपर टेप यूज होते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए, कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को करता है, और वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। एग्जाम्पल इसके मार्क 1, एनेविक, एडेविक, यूनिविक एक्सेट्रा। लिमिटेशन मतलब इसकी हानियां क्या है, अभी इसकी कमियां बतानी है। नॉट पोर्टेबल है, लार्ज इन साइज में होता है, मतलब इसका साइज बहुत बड़ा होता है। जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करता है। मशीन लैंग्वेज इसमें यूज होती है, लेस स्टोरेज कैपेसिटीज में है, और अनरिलायबल क्या नाम है इसके यूज कम होते हैं, मतलब स्टोरेज इसमें क्या है लेस होती है, कम यूज होती है। ठीक है बेटा। ये आपकी थी फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन। देन सेकेंड जनरेशन आपकी 1959 टू 1963। जो अब इसमें क्या बोला उन्होंने, टू ओवरकम द डिफिकल्टी फेस्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चेंजेस वर बॉट इन द हार्डवेयर दैट फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। अब उन्होंने बोला है जैसे जैसे ह्यूमन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बीन अपना मतलब कि जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होती गई, वैसे वैसे जनरेशन में भी इंप्रूवमेंट होती गई। जो आपको फर्स्ट जनरेशन में इम्प्रूवमेंट और कमियां आपको लगी थी, तो वो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ है, हमने उसको क्या किया, कवर किया है। तो इसमें क्या होता है, यूज ट्रांसलेटर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब की जगह इन्होंने क्या यूज किया, ट्रांसलेटर्स। यूज पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप शुरू होगी इसमें, स्मॉलर इन साइज, छोटा हो गया ये, फास्टर, चीपर एंड मोर रिलायबल देन द फर्स्ट जनरेशन, कि सबसे तेज हो गया, सबसे ईजी होगी इसमें। तो फर्स्ट जनरेशन से ये क्या हुआ, ज्यादा बेनिफिट हमें इसमें मिला। इसके एग्जांपल क्या है, IBM 1401, LEO, हनीवेल 400 एक्सेट्रा। अब इसकी कमियां क्या है, हीट होता है, ये हीट को जनरेट करता है, ज्यादा ज्यादा कूलिंग सिस्टम इसमें प्रोवाइड करता है, इसको रिक्वायर्ड देते हैं। स्पीड वॉज स्टिल स्लो, स्पीड की कमी होती थी। मेमोरी वॉज लेस मेमोरी का है। असेंबली लैंग्वेज जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, वो इसमें राइटिंग लैंग्वेज जो उसमें बोलते हैं उसको यूज करते हैं। देन थर्ड जनरेशन आई 1964 टू 1970। तो जैसे फर्स्ट में जो हमें कमियां है वो सेकंड पे इम्प्रूव हुई, और जो थर्ड में जो हमने फर्स्ट और सेकंड में जो कमियां देखी वो कहाँ पे इम्प्रूव की उसने, सेकंड में उन्होंने इम्प्रूव किया। ठीक है, फिर सेकंड में उन्होंने किया इम्प्रूवमेंट ऑफ हार्डवेयर ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर प्रोड्यूस अ थर्ड जनरेशन। जो उनको कमियां सेकंड में लगी, तो उन्होंने थर्ड में हमें क्या किया, उसको और इम्प्रूव किया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, यूज IC इन द प्लेस ऑफ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर की जगह इन्होंने क्या यूज किया, IC, जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यूज कीबोर्ड फॉर इनपुट एंड मॉनिटर फॉर आउटपुट। इनपुट के लिए उन्होंने कंप्यूटर यूज किया, और आउटपुट के लिए उन्होंने क्या यूज किया, मॉनिटर यूज किया। यूज हाई लेवल की लैंग्वेज यूज होती थी। देन उसके बाद उन्होंने बोला है जो प्रोड्यूस लेस हीट एज कंपेयर टू प्रीवियस टू जनरेशन। जो दो जनरेशन में हीट की उनको जो लग रहा था कि जैसे ज्यादा हो रही है,
तो इन्होंने क्या किया, हीट को कम करने के लिए इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट और की। मेंटेनेंस ऑफ कूल कॉस्ट वाज लो एंड बिकॉज हार्डवेयर फेलियर वाज रेयर। कॉस्ट कम कर दी इन्होंने फर्स्ट के अकॉर्डिंग, स्मॉलर फास्टर चीपर वही मोर लेवल देन प्रीवियस जनरेशन। वही स्मॉलर फास्टर चीपर मोर लेवल मतलब जो पिछले जो हमें कमियां आ रही थी उसको इन्होंने और इम्प्रूव किया। एग्जाम्पल है IBM 360, ICL 1900, Apple 1 एक्सेट्रा। लिमिटेशन क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल किया इन्होंने रिक्वायर्ड के, जैसे हाईली टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द आईसी को दी उन्होंने, ठीक है। देन उसमें फिर उसमें फोर्थ जनरेशन जो इसकी आती है वो 1962-1988 में आता है। तो जो इनको कमियां फर्स्ट सेकंड थर्ड में लगी और इम्प्रूवमेंट उन्होंने किसमें की, फोर्थ में की उन्होंने। तो इन्होंने क्या कहा, VLSI जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप होती है वो इसको बोला कि वो इसके ब्रेन का काम करता है, वेरी चीप है, मोर पावरफुल है, रिलायबल है, यूज कीबोर्ड माउस स्कैनर इसमें यूज होते हैं इनपुट में, आउटपुट में इन्होंने किया मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर इन्होंने आउटपुट में यूज किया, वेरी स्मॉल साइज था, इजिली पोर्टेबल होती थी, जहां मर्जी हम इसको लेके जा सकते थे, मच फास्टर था, हाई स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा इसमें स्टोरेज, हम जो मर्जी इसमें हम इसमें वो कर सकते थे, स्टोर कर सकते। एग्जाम्पल्स इसकी इन्होंने दी है, आपने लर्न करनी है। देन लिमिटेशन इसकी क्या है, अ बिट एक्सपेंसिव देन प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड वायर वर हाई फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ VLSI चिप्स के। और बेटा जो फिफ्थ जनरेशन है जो हम आज प्रेजेंट में हम यूज कर रहे हैं, जो कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन का हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। कौन सा यूज कर रहे हैं, जो हम भैया हमें आजकल हम जो PC आप यूज कर रहे हो बेटा वो फिफ्थ जनरेशन का हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, टुडे हम यूज कर रहे हैं इसे लाइक जैसे उनको लगता है ह्यूमन बीइंग की जैसे जैसे वो काम करते हैं ह्यूमन बीइंग की जैसे काम कर रहे हैं। सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, आप जो मर्जी उसको क्या नाम है प्रॉब्लम आपने बता दो वो फटाफट वो कंप्यूटर क्या कर देगा, सोल्व कर देते हैं। मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, एक अपने दोस्त के जैसे लगता है, वेरी स्मॉल इन साइज एंड इजली पोर्टेबल, साइज में स्मॉल है और जहां इजली आप जहां मर्जी इसको कर सकते हो पोर्टेबल कर सकते हो। देन बेटा आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, द वर्ड और कंप्यूटर इज डिवाइड फ्रॉम द वर्ब कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। जो कंप्यूटर का वर्ड है वो कंप्यूट से माना हमने लिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टू कैलकुलेट। हाउएवर कंप्यूटर आर नॉट जस्ट फॉर कैलकुलेटर, ये कंप्यूटर जो है सिर्फ कैलकुलेटर का काम नहीं करता, ये हमारे लिए और भी बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे स्पीड, आप मतलब कि ये कंप्यूटर टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड फॉर कैलकुलेशन, आप इसको जैसी मर्जी जितनी मर्जी क्या नाम है टिपिकल या डिफिकल्ट आप इसको कैलकुलेशन दे दो, इसने फ्यू मिनट सेकंड्स में इसने इसका आंसर आपको निकाल देना है तो आपको पता लगे इसकी स्पीड कैसी है। देन एक्यूरेसी, जो मर्जी कर दो इसने करेक्ट आंसर आपको रिजल्ट देना है, ये नहीं कि इसमें ये कमी है ये गलत होगा। इंटेलिजेंसी मतलब जितना मर्जी आप इसको काम दे दो ये नहीं बोलेगा मैं टायर्ड हो गया हूं या मैं बोर हो गया हूं मेरे को नहीं करना, आप चाहे इसको सेम वर्क अगेन अगेन देते रहो,